हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी हसीन दिलरुबा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रानी नाम के एक हाउसवाइफ से, जो अपने घर के बाहर कुत्तों को खाना खिला रही थी। तभी रानी के घर में गैस एक्सप्लोजन होता है, जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। रानी जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे उसके हस्बैंड ऋषि की बॉडी मिलती है, जो पूरी तरह से जल चुकी थी। वहां पर बस ऋषि का हाथ था जिसके ऊपर रानी लिखा था, जिससे पुलिस को क्लियर हो जाता है कि मरने वाला रानी का पति ऋषि था। अब पुलिस को पूरा शक रानी पर था, क्योंकि उस दिन ऋषि के मम्मी पापा भी बाहर गए थे, इसलिए वो रानी से पूछताछ करने लगते हैं। तो रानी उन्हें अपनी कहानी बताने लगती है। कुछ महीने पहले ऋषि रानी को देखने आया था। ऋषि पहले भी कई लड़कियों को देख चुका था, जिसमें से उसे मीरा बहुत पसंद आई थी, लेकिन मीरा किसी और को पसंद करती थी, इसलिए उसने ऋषि को रिजेक्ट कर दिया। आज ऋषि अपने मम्मी पापा के साथ रानी को देखने आया था, तो वही रानी भी ऋषि को छुप छुप कर देख रही थी। रानी अपनी मौसी से बात करती है और उनकी बातों से पता चलता है कि रानी के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, इसलिए रानी को ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज करनी पड़ रही थी। रानी ऋषि को किचन में बुलाती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है। बातों बातों में ऋषि बताता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ये सुनने पर रानी ऋषि को उनका फैन ठीक करने के लिए कहती है। ऋषि फैन रिपेयर करने लगता है, तभी वहां पर ऋषि की माँ आती है। ऋषि की माँ को रानी काफी तेज लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ऋषि रानी से शादी करे, लेकिन ऋषि कहता है कि वो शादी करेगा तो रानी से, जिसके बाद ऋषि और रानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब रानी ऋषि के घर आती है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कोई भी फंक्शन नहीं किया जाता, इसलिए रानी थोड़ी सी अपसेट थी और वो अपने रूम में आती है। वहां आने पर ऋषि बालकनी का दरवाजा ओपन करता है, जिसकी वजह से पानी अंदर आ जाता है। ऋषि पानी निकालने लगता है, तब तक रानी सो जाती है। दूसरे दिन रानी जब उठती है तो उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। एक्चुअली रानी काफी लेट उठी थी। सास को लगा था कि रानी सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाएगी, लेकिन रानी बताती है कि ना ही उसे चाय बनाने आती है और ना ही पकौड़े। ये सुनने के बाद ऋषि की माँ काफी शॉक थी, क्योंकि रानी की माँ ने बताया था कि रानी को सब कुछ आता है, जिस पर रानी कहती है कि उसकी माँ तो कुछ भी कहती है, वो उनकी बातों पर विश्वास ना करे। अब ये सुनकर ऋषि की माँ जैसे शॉक में चली गई थी। रानी कहती है कि वो पार्लर के सारे काम कर सकती है, बस उसे घर के काम करना नहीं आता। अब ऋषि की माँ अपनी बहू को ताने देते हुए अपने कामों में लग जाती है। अब रानी के पास कोई काम करने के लिए नहीं था, इसलिए वो अपने ससुर के हेयर कलर करती, कभी हेयर कटिंग करती, ये सारे काम करने लगती है। उस रात जब ऋषि और रानी बेडरूम में थे तो रानी ऋषि से पूछती है कि उसे कैसी वाइफ चाहिए थी, तो ऋषि कहता है कि उसे मीरा जैसी वाइफ चाहिए थी, जो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनने पर रानी गुस्सा हो जाती है और ऋषि से लड़ने लगती है। ऋषि काफी डर जाता है और बाथरूम में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर तक रानी इंतजार करती है, जिसके बाद वो सो जाती है। दूसरे दिन रानी अपनी माँ और मासी को बताती है कि अब तक उसके और ऋषि के बीच में कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसकी मासी उसे कहती है कि रानी को ऋषि को सेड्यूस करना चाहिए। एक बार अगर वो उसके काबू में आ गया तो फिर वो उसके साथ लड़ सकती है, लेकिन अभी ऋषि के साथ लड़ना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद रानी वैसा ही करती है और हर वक्त ऋषि को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ये प्लान वर्क करता है और ऋषि रानी के करीब आता है, लेकिन ऋषि काफी नर्वस था, जिसकी वजह से वो ठीक से कुछ भी नहीं कर पाता। सुबह जब ऋषि वॉशरूम में था तो रानी को उसकी मासी का कॉल आता है और रानी उन्हें बताती है कि कल रात वो और ऋषि करीब आए थे, लेकिन ऋषि कुछ भी ठीक से नहीं कर पाया। ये बातें जब ऋषि सुनता है तो उसे रानी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रानी उनकी पर्सनल बातें अपनी मौसी को बता रही थी। ऋषि रानी पर गुस्सा हो गया था, इसलिए वो रानी से बात करना बंद कर देता है। रानी समझ नहीं पा रही थी कि ऋषि उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। वो ऋषि से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि उससे बात नहीं करता। अब रानी को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, वो हमेशा दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़ा करती थी। अब ऋषि दोस्त से बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो नॉवेल्स पढ़ने में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ पर नील आता है, जो ऋषि का कजिन था। एक्चुअली नील राफ्टिंग करता है और वो उसी के लिए यहाँ पर आया था, और कुछ दिनों के लिए वो उनके साथ उनके घर पर ही रहने वाला था। नील उनके साथ रहने लगता है और वो जल्दी समझ जाता है कि रानी और ऋषि में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद वो रानी से बात करना शुरू करता है और रानी को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। नील रानी से चाय मांगता है तो रानी उसके लिए चाय बनाने जाती है, लेकिन उसे चाय बनाना नहीं आती थी,
इसलिए ऋषि उसे चाय बनाना सिखा देता है। ऋषि को लग रहा था कि रानी ये सब कुछ ऋषि के लिए सीख रही होगी, लेकिन रानी तो ये सब कुछ नील के लिए कर रही थी। नील उसके हाथ की चाय पीता है और उसकी बहुत तारीफ करता है, जिसके बाद नील कहता है कि उसे रानी के हाथ का खाना खाना है। अब रानी को खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी वह खाना बनाना सीखने लगती है। ये देखकर ऋषि काफी इंप्रेस था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रानी ये सब कुछ उसे इंप्रेस करने के लिए कर रही होगी। लेकिन रानी का ध्यान नील पर था और नील का ध्यान रानी पर। एक दिन नील रानी को किस करता है और रानी भी खुद को रोक नहीं पाती। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और रानी नील से कहती है कि वो चाहती है कि वो दोनों शादी कर ले, जिस पर नील कहता है कि वो दोनों अगले हफ्ते यहाँ से चले जाएंगे। रानी इस बात पर बहुत खुश होती है, तो नील कहता है कि उसे रानी के हाथ का मटन खाना है। अब ये सुनने के बाद रानी वो बनाने के लिए भी मान जाती है। अब रानी वेजिटेरियन थी, फिर भी वो मटन लाने के लिए शॉप पर जाती है। वहां से वो नॉनवेज लेकर आती है और घर लाकर उसे बनाने लगती है। जब डिश पूरी तैयार हो जाती है तब उसे पता चलता है कि नील तो घर छोड़कर जा चुका है। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया और ऐसे ही चला गया। ये सुनने पर रानी समझ जाती है कि नील ने उसे धोखा दिया था। तभी ऋषि भी ऑफिस से वापस आता है और रानी के हाथों का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। अब ऋषि का गुस्सा भी उतर गया था और वो रानी से सॉरी कहता है, क्योंकि उस दिन ऋषि काफी नर्वस हो गया था। वो रानी से कहता है कि रानी इतनी खूबसूरत है जिसकी वजह से वो उस दिन नर्वस हो गया था। वो रानी से कहता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तभी रानी ऋषि को बताती है कि उसका और नील का अफेयर चल रहा था, वो दोनों इंटीमेट भी हो चुके हैं, लेकिन नील ने उसे धोखा दे दिया। ऋषि जब ये सुनता है तो वो रानी से कुछ भी बात नहीं करता। रानी इंतजार कर रही थी कि ऋषि उसे कुछ ना कुछ तो कहेगा, लेकिन ऋषि कुछ भी नहीं कहता और अगले दिन नील के घर चला जाता है। वहां जाकर वो नील को काफी पीटने लगता है, लेकिन नील ही ऋषि को पीट देता है। नील ऋषि से कहता है कि ऋषि और रानी का रिलेशन ठीक नहीं था, इसलिए रानी नील के करीब आई। अगर उनका रिलेशन ठीक होता तो रानी कभी नील के पास आती ही नहीं। ये सुनने के बाद ऋषि अपने घर वापस आ जाता है। ऋषि की हालत देखकर रानी समझ जाते हैं कि ऋषि नील के पास गया होगा। वो ऋषि से कहती है कि उसे तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं, वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। ऋषि उसे कुछ भी नहीं कहता और रानी अपना सामान पैक करती है। वो वहां से जाने लगती है तो वहां के लड़के रानी को नील के नाम से चिढ़ा रहे थे। ये देखकर ऋषि को गुस्सा आता है और वो रानी को अंदर जाने के लिए कहता है। रानी को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी ऋषि उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए रानी डिसाइड करती है कि वो ऋषि के साथ ही रहेगी। रानी ऋषि से कहती है कि अगर ऋषि को उसे सजा देनी है तो वो दे सकता है, लेकिन रानी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जिसके बाद रानी वहीं पर रहने लगती है और ऋषि सोच लेता है कि वो रानी को सजा देगा। रानी जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो ऋषि वहां पर साबुन का पानी डाल देता है, जिसकी वजह से रानी गिर जाती है। वो रानी को हाथ भी नहीं देता, जिसकी वजह से रानी समझ जाती है कि ये सब कुछ ऋषि ने किया होगा। जिसके बाद रानी जब गैस के पास कुछ करने के लिए जाती है तभी अचानक ब्लास्ट होता है और वो समझ जाती है कि ये भी ऋषि ने ही किया होगा। ऋषि जब अपने फ्रेंड के साथ टेरेस पर ड्रिंक कर रहा था तभी वहां पर रानी आती है। रानी के आने के बाद उसका फ्रेंड वहां से चला जाता है। रानी ऋषि से कहती है कि वो और कितनी बार उसे मारने की कोशिश करेगा, अगर उसे मारना है तो वो अभी उसे मार दे। वो ऋषि से कहती है कि वो उसे धक्का दे दे, लेकिन ऋषि उसे धक्का नहीं देता। रानी कहती है कि वो जानती है कि ऋषि उसे प्यार करता है और वो चाहकर भी रानी को नहीं मार सकता। ये सुनने के बाद ऋषि भी चुप हो जाता है और फिर कभी वो रानी को परेशान नहीं करता। धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ ठीक होने लगता है। तो वही रानी ने ऋषि की माँ से भी दोस्ती कर ली थी। एक दिन रानी और ऋषि कहीं जा रहे थे तो रानी को नील दिखाई देता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था। रानी उसे देखकर काफी गुस्सा होती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। नील जब रानी को बुरा भला बोलने लगता है तो ऋषि भी उनके बीच आता है और उन दोनों में भी झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद रानी ऋषि को लेकर वहां से चली जाती है। अब रानी और ऋषि समझ गए थे कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद इंटीमेट भी हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋषि रानी को बताता है कि आज उसके फ्रेंड्स डिनर पर आएंगे, इसलिए वो रानी को नॉनवेज बनाने के लिए कहता है। तब रानी ऋषि को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। ऋषि जब बाजार से वापस आता है तो वहां पर नील आया था। नील को देखकर ऋषि काफी गुस्सा होता है और रानी से कहता है कि वो यहाँ से बाहर जाए, वो नील के साथ अकेले में बात करेगा। रानी पहले जा नहीं रही थी, लेकिन ऋषि उसे बाहर भेज देता है, जिसके बाद रानी बाहर आकर
कुत्तों को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी उनके घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ और वहां पर उन्हें ऋषि की बॉडी मिली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर रानी पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बता चुकी थी। इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद रानी ने नील के साथ मिलकर ऋषि को मार दिया होगा। उसे लग रहा था कि रानी झूठ बोल रही है, इसलिए वो रानी से काफी स्ट्रिक्टली पूछताछ करता है, लेकिन रानी ने जो कुछ भी बताया था वो उसी बात पर कायम थी। तभी इंस्पेक्टर को रानी के घर के बाहर एक आदमी का वीडियो मिलता है, जो उस दिन एक्सप्लोजन होने से पहले पानी में कूद गया था। ये देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो जाता है कि उस दिन नील उनके घर पर आया था और शायद उसी ने वो एक्सप्लोजन किया होगा और वहां से भाग गया होगा। अब रानी के वो कई सारे टेस्ट लेता है, जिसमें रानी पास हो जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि रानी ने ऋषि को नहीं मारा, इसलिए वो रानी को छोड़ देते हैं और 5 साल बीत जाते हैं। उस इंस्पेक्टर की ट्रांसफर हो गई थी और वो ट्रेन से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक बुक दिखाई देती है जो दिनेश पंडित की थी। इंस्पेक्टर उस नॉवेल को पढ़ने लगता है, क्योंकि रानी हमेशा उस नॉवेल का नाम लिया करती थी, जिसके बाद वो नॉवेल पढ़ने पर इंस्पेक्टर सब कुछ समझ जाता है। एक्चुअली उस दिन जब नील रानी के घर पर आया था तो वो रानी को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि नील के पास उनका वो इंटीमेट वाला वीडियो था। तभी वहां पर ऋषि आता है और रानी उसे वीडियो के बारे में बता देती है। ये सुनने के बाद ऋषि नील को काफी पीटने लगता है, लेकिन नील की ताकत काफी ज्यादा थी, इसलिए वो ऋषि को बहुत ज्यादा पीट रहा था। रानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नील नहीं रुकता, जिसके बाद रानी उनके फ्रिज में जो मटन का टुकड़ा था उससे नील के सर पर मार देती है, जिससे नील की वहीं पर मौत हो जाती है। ऋषि जब ये चेक करता है तो वो रानी से कहता है कि अगर ये सबको पता चल गया तो रानी और ऋषि दोनों को सजा होगी, और वो रानी को खोना नहीं चाहता। अब ऋषि एक प्लान बनाता है और रानी को कहता है कि वो जैसा कहता है वैसा ही रानी को करना होगा। अब ऋषि डिसाइड करता है कि वो अपना एक हाथ कट कर देगा और नील की बॉडी के पास रखेगा, इसलिए वो सबसे पहले नील का एक हाथ कट करता है और खुद का भी एक हाथ कट कर देता है। अपना हाथ वो नील की बॉडी के पास रखता है कि वो घर से बाहर जाए, जो मटन का टुकड़ा था उसे पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेकर आए, और वो तब तक घर में ना आए जब तक ब्लास्ट नहीं होता, जिसके बाद रानी वैसा ही करती है और वो मटन शॉप चली जाती है। वहां पर वो पीसेस में कट करती है और जब वो वापस आ रही थी तभी घर में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले ही ऋषि नील के कपड़े पहनकर वहां से पानी में कूद गया था, जिसके बाद वो स्विमिंग करके बाहर निकल जाता है। ऋषि जानता था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो काफी दूर है, इसलिए फेस ठीक से दिखाई नहीं देगा, और इस तरह से ऋषि ने खुद की मौत का ड्रामा किया और वहां से निकल गया। सबको ऐसे ही लगा कि नील ने ऋषि को मारा है और नील वहां से भाग गया है। अब पुलिस नील को ढूंढती रह गई, लेकिन उन्हें तो नील मिला ही नहीं। इंस्पेक्टर जब उस नॉवेल को पढ़ता है तो वो समझ गया था कि ऋषि ने क्या किया था। एक्चुअली उस नॉवेल में जो स्टोरी लिखी थी ऋषि ने उसी हिसाब से सब कुछ किया था, जिसके बाद हम रानी को देखते हैं जो ऋषि के साथ कहीं जा रही थी ताकि वो वहां जाकर अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हसीन दिलरुबा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।